आपने ये डिसीजन लिया है कि सभी पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, जब तक वो पहुंच नहीं जाते और सभी ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक हम यहीं पर बैठेंगे, सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, हमने हमारे दो तीन लोग दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया था, हमने मांग की कि उनको छोड़ा जाए यहाँ पर प्रोटेस्ट में लाकर। और दूसरा, हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी हवा निकाली जा रही है कि इस तरह की जो हरकत है वो दिल्ली पुलिस ना करे, इससे माहौल खराब होगा, हमारे वो ट्रैक्टरों के टायरों में हवा भरवाई जाए। तो किस वजह से डिटेन किया गया था उनको, ये तो दिल्ली पुलिस बना सकती है, बता सकती है क्यों डिटेन किया। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक कुछ लोग रामलीला मैदान में पहुंच चुके थे, हम मांग करते हैं कि सभी लोगों को रामलीला मैदान जाने दिया जाए। कहते हैं ये देश बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे, लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो अभी तक डिटेन ही है वो, छोड़ा गया उनको, अभी तक डिटेन ही है। तो बात हुई है आपकी पुलिस से उनको छोड़ा जाए, बोला है उनको डीसीपी का, बोलते हैं कि छोड़ते हैं कि अभी देखते हैं क्या होता। तो यहाँ पूरे जो आपके जत्थे पीछे आए हैं बंदे, वो कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में उनको? दो तीन घंटे तो लगेंगे अभी। तो रास्ते में हमारा एक साथी वो एक्सीडेंट में, उसकी जान चलेगी, तो उससे कहाँ पे एक्सीडेंट में, क्या? हाँ, एक्सीडेंट। तो 3 घंटे तक यहीं आप स्टे करेंगे? 3 घंटे तक यहीं धरने पे बैठेंगे? हाँ।